बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़य्याज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाज़रीन, शरीफ माफिया के सरबरा और पाकिस्तानी गार्ड फादर मुजरिम नवाज शरीफ की कहानी की चौथी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके फीडबैक से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोलिटिकल सीरीज यूट्यूब पर कितनी पसंद की जा रही है। पाकिस्तानी गार्ड फादर की पसंदीदगी का शुक्रिया। दोस्तों, शरीफ माफिया सीरीज की पहली तीन इकसात में आप ये बात जान चुके कि कैसे गार्ड फादर नवाज शरीफ ने जर्नैलों और साफियों की मदद से ताल्लुकात और पैसे यानी सिफारिश और रिश्वत के जोर से पाकिस्तानी सियासत में जगह बनाई और पंजाब के वजीर खजाना बन बैठे। चौथी किस्त में हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने अपनी कौन सी खिदमात की बदौलत फौजी जर्नैलों से पंजाब की वजारत आला हासिल की। नाज़रीन, डिक्टेटर ज़ियाउल हक की मेहरबानी और मार्शल्ला दौर के गवर्नर जनरल जिलानी की शदीद ख्वाहिश पर नवाज शरीफ की बतौर सूबाई वजीर खजाना तकर्री को एक बाकायदा सियासतदान की हैसियत से हासिल होने वाला ओहदा हरगिज नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ का पाकिस्तानी सियासत में किसी किस्म का कोई तारुफ हरगिज नहीं था। दोस्तों, 80 के अशरे में जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल्ला हुकूमत को ऐसे लोगों की तलाश थी जिन्हें अपनी मर्जी से चलाया जा सके, और अगर इस तलाश के दौरान कोई ऐसी शख्सियत हाथ लग जाए जो पीपल्स पार्टी और इसके रहनुमाओं को अपना दुश्मन करार देती हो तो भला इससे ज्यादा खुशी किस बात की हो सकती थी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब लाहौर की कारोबारी शख्सियत मियां शरीफ के बेटे की सूरत में जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी को एक ऐसा मोहरा मिल गया जिसको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते थे। नाज़रीन, अगरचे मियां नवाज शरीफ के करीबी सहाफी उनके सियासी सफर को असगर खान की तरीके इस्तकलाल से शुरू करते हैं, मगर उनकी इस सियासी वाबस्ती के पीछे भी हमें उनकी शदीद हद तक बढ़ी हुई पीपल्स पार्टी और भुट्टो दुश्मनी मिलती है। मियां साहब अपनी इसी क्वालिटी के बायस फौजी हुक्मरानों के लिए खासे की चीज थे, और नवाज शरीफ को भी फौजी हुक्मरानों के साथ इस वाबस्ती का ये फायदा हुआ कि तरीके इस्तकलाल में रहते हुए उन्हें वो कारोबारी फवायद हासिल नहीं हो सकते थे जो मार्शल लॉ की गोद में बैठने के बाद उन्हें हासिल हुए। दोस्तों, फौजी डिक्टेटर की मदद से मियां नवाज शरीफ को जब सूबाई वजीर खजाना बनाया गया तो उस वक्त उनकी अवलीन तरजीह अपने कारोबार को बढ़ाना था। मियां शरीफ अपने बेटे नवाज शरीफ की पुश्त पर मौजूद थे। मियां शरीफ ने जनरल ज़ियाउल हक और उनके साथियों को यह यकीन दिला रखा था कि पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान के खिलाफ कार्रवाइयों में नवाज शरीफ हर मुमकिन फौजी हुकूमत का साथ देगा। यूं मियां शरीफ ने अपने भोले बेटे को मार्शल लॉ के हवाले कर दिया और खुद कारोबार की तरफ मुतवज्जो हो गए। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने सूबाई वजीर खजाना पंजाब की हैसियत से पंजाब के सरकारी खजाने का रुख मार्शल लॉ के हमायतियों की तलाश में बदनमान लोगों और अपने कारोबार की तरफ मोड़ दिया। जनरल ज़ियाउल हक पंजाब से हर किस्म की हमायत चाहते थे और गवर्नर जिलानी नवाज शरीफ के साथ मिलकर जनरल ज़ियाउल हक के मकासिद की तकमील कर रहे थे। यूं नवाज शरीफ पूरी कुव्वत के साथ मार्शल लॉ हकाम की ताकत में इजाफे के लिए मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने पंजाब के कोनों खुदरों से अपने मतलब के सियासतदानों को तलाश कर लिया। दोस्तों, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक गार्ड फादर नवाज शरीफ ने अपनी वजारत खजाना के दौर में मखसूस सियासतदानों को भारी कर्जे दिलवाए, तरक्याती काम के नाम पर उनको करोड़ों रुपए नकद अदा किए। मुजरिम नवाज शरीफ ने सिर्फ चंद माह में जनरल ज़ियाउल हक की ख्वाहिश पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 34 अरकान पंजाब असम्बली को कौमी खजाने से बाप का माल समझकर 77 करोड़ रुपया बांट दिया। अरबों रुपए की वो रकूम अलग थी जो इंडस्ट्री लगाने के नाम पर इन बदनवान सियासतदानों को कर्जों की सूरत खसूसी तौर पर दिलवाई गई। यूं नवाज शरीफ का इन बदनवान सियासतदानों से ताल्लुक मजीद मजबूत हो गया। पंजाब के वजीर खजाना की हैसियत से नवाज शरीफ का पूरा दौर बदनवानियों और करप्शन से लुथड़ा हुआ है, और उनकी इसी कारकर्दगी को देखते हुए मार्शल लॉ हुकाम ने नवाज शरीफ को एक और अहम ड्यूटी देने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, इस मौके पर इस कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आता है जिसे जानना आप सबके लिए इंतहाई जरूरी है। हुआ कुछ यूं कि 1985 के इलेक्शन जो कि गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे, तमाम अरकान असम्बली अपनी आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर आए थे। जब वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब का मरहला करीब पहुंचा
तो इब्तदाई तौर पर तीन नाम सामने आए, मलिक अलायार खान, चौधरी अब्दुल गफूर और मखदूम ज़ादा हसन महमूद। अभी इन नामों पर मशवरे शुरू ही हुए थे कि अचानक अखबारी खबरों के जरिए हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ का नाम भी सामने आने लगा। अब ये चैमगोइयां होने लगी कि नवाज शरीफ का नाम बार बार क्यों आ रहा है, हालांकि उनके पास ना ही मतलूबा अक्सरियत थी और ना ही किसी किस्म का कोई सियासी पसे मंजर। दोस्तों, पंजाब असम्बली के इंतखाबात में जिन बड़े ग्रुप्स ने कामयाबी हासिल की थी, इनमें गुजरात के चौधरी भी शामिल थे। उनके घर इसी हवाले से एक मीटिंग हुई जिसमें सबसे ज्यादा अरकान असम्बली आए। मखदूम ज़ादा, हसन महमूद और परवेज इलाही के नामों पर बातचीत हुई। चौधरी शजात बताते हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी था कि ब्रिगेडियर कयूम और गवर्नर पंजाब जनरल जिलानी ने उनसे राबता किया। यही वो ड्रामाई मोड़ था कि जब ब्रिगेडियर कयूम और गवर्नर जिलानी ने चौधरी शुजात से राबता किया और उन्हें गवर्नर हाउस आने की दावत दे डाली। चौधरी बरादरान जब वहां पहुंचे तो गवर्नर जिलानी के साथ साथ ब्रिगेडियर कयूम भी वहां पर मौजूद थे। नाजीर, इस मुलाकात में जनरल जिलानी कहने लगे, चौधरी साहब, पंजाब में आपका ग्रुप सबसे ज्यादा मजबूत है, आप सूबे की अहम वजारतें अपने पास रख लें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी अपनी मर्जी का मुंतखब कर लें, लेकिन हमारे बंदे को वजीर आला बना दें। चौधरी शुजात ने हैरान होकर पूछा, कौन सा बंदा? तो जनरल जिलानी ने जवाब दिया, मियां नवाज शरीफ। तब उन पर यह राज खुला कि नवाज शरीफ का नाम अखबारात में क्यों छापा जा रहा था। चौधरी बरादरान ने मशवरे के लिए दो दिन का वक्त मांगा। जनरल जिलानी कहने लगे, ठीक है, दो दिन बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी बुला लेते हैं, सब मिल बैठकर फैसला कर लेंगे। दोस्तों, चंद दिन बाद दोनों ग्रुप्स की मुश्तरका मीटिंग नवाज शरीफ के अबाजी मियां शरीफ मरहूम के एम्प्रेस रोड वाले दफ्तर में हुई। मीटिंग में उनके अलावा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही और ब्रिगेडियर कयूम भी मौजूद थे। तय पाया कि नवाज शरीफ वजारत आला के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। स्पीकर और सूबाई वज़रा का फैसला चौधरी बरादरान की मुशावरत से किया जाएगा। नाज़रीन, जब ये सारे फैसले हो गए तो मियां शहबाज शरीफ अचानक उठे और कहा, अगरचे सब कुछ तय हो गया है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए कुरान मजीद ले आता हूं ताकि जमानत रहे कि हमारी तरफ से कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। इस पर चौधरी बरादरान ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अगले रोज चौधरी बरादरान से गवर्नर जिलानी ने पूछा कि मीटिंग कैसी रही। जब उन्होंने सारा अहवाल सुनाया तो जनरल जिलानी ने कहा कि नवाज शरीफ की तरफ से मैं जमानत देता हूं, आप बेफिक्र रहें। कहने लगे, नवाज शरीफ शहरी बाबू है, उसका देही हलकों से मुंतखब होने वाले अरकान से कोई तारुफ नहीं, आप मेहरबानी करके उनको मुतारफ करवा दें। यूं पहले फौजी जर्नैलों और फिर चौधरी बरादरान की कोशिशों से नवाज शरीफ 9 अप्रैल 1985 को पंजाब के वजीर आला बन गए। दोस्तों, नवाज शरीफ की पूरी सियासी तारीख एहसान फरामोशी और मोहसन कुशी की तारीख है। अपने इकदार के पहले 6 माह के अंदर ही नवाज शरीफ ने चौधरी बरादरान के साथ किए गए मुआहदे को कैसे पसे पुश डाल दिया और तमाम तर वादे कैसे तोड़ दिए, अपने मोशनों से उन्होंने क्या एहसान फरामोशी की, इसकी तफसीलात हम आपको गाड फादर नवाज शरीफ की 5वीं किस्त में बताएंगे। बरवक्त मालूमात और आगही के लिए लाज न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।